तो हेलो व्हाट्सअप दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है सैनी व्लॉग पे। हाँ तो गाइस, आज का दिन मेरे लिए होने वाला बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि गाइस आज के दिन मेरे को लगेगी अपनी फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन, जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसका मैं इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा था कि भाई कोई तो इंजेक्शन लगा दो, कोई तो डोज लगा दो। पर लेकिन अब गाइस मेरी वो टेंशन फ्री हो जाऊंगा, मेरे को फर्स्ट डोज अपनी लग जाएगी। और लग भी कौन सी रही है, कोविड शील्ड। अब गाइस इसके लिए मैं थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा गम में भी हूँ। खुश इसलिए हूँ मेरे को वैक्सीन लग जाएगी, और गम मैं गाइस इसलिए हूँ, इसलिए हूँ भाई बताऊँ क्या गम मेरे को इस चीज़ के कि पैसे मेरे जेब से जा रहेगा, इसलिए मेरे को फ्री में नहीं लग रही, मेरे को पेड देने पड़ रहे हैं, मतलब कि पैसे दे के वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। ये कोई बात नहीं गाइस, पापा भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि मेरे को अभी जाना है वैक्सीन लगवाने। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके सेंटर में क्या मॉल हो रहा है, कैसे वैक्सीन लग रही है, क्या अंदर कितने बंदे जा सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी चलते हैं मम्मी के पास, क्योंकि ये वैक्सीन की खबर सुन के मम्मी सबसे ज़्यादा मेरी खुश हो गई है, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा मेरी टेंशन यार। माँ तो माँ होती है गाइस, माँ तो माँ है ना। माँ मामा ठंडिया छावा है? नहीं नहीं, ठंडिया ठंडिया छावा छुमा सानू नहीं पता, लेकिन मामा मामा होती है। अच्छा मम्मी, फाइनली मेरे को आज वैक्सीन लगने वाली है यार, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बच्चे, कि चलो मेरे को भी है कि तू सेफ हो जाएगा, तूने कल को ऑफिस जाना है अपनी। अच्छा मैं सेफ तो हो जाऊंगा, पर एक मदद कर दो मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से पैसे दे दो वैक्सीन के यार। तुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है यार, लॉकडाउन चल रहा है, मम्मी वैक्सीन की तो महंगी लगवा रहे हैं। तो फिलहाल ये वैक्सीन सारी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम जैसे लोग तो अफोर्ड जैसे तैसे कर रहे हैं, पर जो हमसे नीचे का तबका, चलो कोई नहीं, अब अल्ट्रा लेजेंड हो गई मम्मी, पूरा भाषण देना चालू हो जाती है। जो सही बात है वो सही है, दवाई जो है ना, जो कहते हैं इंसान का शरीर तो सबका एक ही है, जब किसी को दुख लगना है तो सारे, ये नहीं कि वो छोटे को लगेगा, अमीर को लगेगा, सबको लगेगा। अच्छा होता है कि चीज फ्री होनी चाहिए। अच्छा हमारे वो का गए हैं पापा, पापा साहब उनको कोई काम होगा, उनका जल्दी बुलाओ, उन्होंने लेके जाना है मेरे को। तो चलो गाइस पापा आते हैं, फिर मैं रेडी रेडी क्या मास्क डालने, वो भी डबल मास्क डाल के, फिर हम अपनी यात्रा पे निकलते हैं। हाँ तो गाइस पापा आ चुके हैं, बस अब मैं निकल रहा हूँ, पापा नीचे ही हैं स्कूटी पे, थोड़ा कपड़ा मार रहे हैं, चलो नीचे चलते हैं। चलो वी आर फुल सेट, सब रेडी है। आज धूप कम है यार, आज इतनी धूप नहीं है, मुकाबले जैसे कल परसों थी, लू चल रही थी, आज 32-33 टेम्परेचर ऐसा ही है। मज़ा आ रहा है गाइस, स्कूटी पे राइड लेने का अलग ही मज़ा है, और वैसे भी आज डोज लग रही है तो थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो रखी है, क्योंकि फर्स्ट डोज है अपनी। तो पापा जब आपको फर्स्ट डोज लगी थी, आप भी थोड़े एक्साइटमेंट में थे? एक्साइटमेंट क्या बेटा, थोड़ा सा डर बना हुआ था। अच्छा भाई, इससे लगाने से भाई कुछ भी हो सकता है। सेम सेम मेरे को हो रहा है यार, लगाने से कुछ साइड इफेक्ट ना हो यार, इसके मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नहीं होएगा ना पापा? पापा जी ऐसे ही करना यार, बस सब कुछ सही सही हो जाए। और गाइस आप भी अगर पहली डोज लगवाने जा रहे हो और आप भी ऐसी एक्साइटेड हो मेरी तरह, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और एक गाड़ी के हॉर्न गाइस मेरे कान इतने दर्द कर देते हैं ना, पूछो मत। हाँ तो फिर चलो गाइस आपसे सीधा मैं जाके मिलता हूँ कोविड सेंटर, जहाँ पर हमको अपनी वैक्सीनेशन लगनी है। भाई थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो यार भाई को, थोड़ा मोटिवेट करो। चलो फिर कोई नहीं, सीधा आपसे सीधा सेंटर पे जाके मिलता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले यहाँ की रोडें देख लो पंजाबी बाग, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ, इस करके आप यहाँ का थोड़ा मॉल देख लो कैसा हो रखा है। पीछे देख ही रहे होगे कैसे GTC बस वगैरह आ रही है। रुको आपको यहाँ का मॉल दिखा दो, ट्रैफिक तो गाइस बहुत है। तो गाइज हम लोग फाइनली रीच कर चुके हैं अपने सेंटर पे। ये कुछ उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिए थे, अब ये फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब देना उनको। फॉर्म जमा करवा दिया हमने अपना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, एक एक बात तो, जो मैंने ये तो अपना नंबर डाला जैसे मैंने, ठीक है। अब जैसे नंबर जो सेव हो रखा है वो अच्छा, वो यहाँ पर वो वाला डालना है, ठीक है ठीक है। कब खुलेगा दी खुलेगा, तो इस पे कर सकते हैं चेंज, इसी पे कर दूं या? ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो कुछ नंबर का इशू हो गया था,
नंबर चेंज करके डालना है, तो कोई नहीं वो डाल देता हूँ अभी। हाँ तो गाइस प्रोसीजर तो बहुत सिंपल था, खाली जाके कैश जमा करा और ये हमें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, ये हमें बूथ में जमा करवाने हैं। अब जमा कराने के बाद हमको फाइनली अपनी वैक्सीन लग जाएगी, यही देनी है ना सर? वेट करना पड़ेगा अभी, बैठ जाओ आप यहाँ लगेगी पीछे बूथ नंबर 7 पे हमको। पापा यही लग रहा है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये अपने सब कुछ मिल गया। आपको ऐसा लगा था क्या? ऐसे लगा था, हमारे ज़्यादा बंदे थे वहाँ पे। मेरी वीडियो बना लेना ठीक है, ढंग से अच्छी थोड़ी ब्राइटनेस में लेके, ठीक है? जब मेरे को इंजेक्शन लग रहा था तू कर दे मेरे को थोड़ा तो खाली फ़ोन तो पकड़ के वीडियो बना ही सकते हो ना यार। चलो ठीक है गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ वो सुई लगेगी इतनी, ये पता नहीं यहाँ लगेगी यहाँ, अब देखते हैं कहाँ लगती है। दर्द तो सहन करना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ पर घर में जो इक्विपमेंट पड़े होते हैं ना जिम के, तो वही करता हूँ कंपल्सरी। जिम में ऐसे नहीं खोले, 50% कह रहे खोल देंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। हाँ तो गाइस हमें लग चुकी है अपनी वैक्सीन, ये रहा हमारा पर्चा। कुछ दर्द वगैरह कुछ नहीं हुई गाइस, बस नॉर्मल जैसे उन्होंने ऐसे हल्का सा सुई लगाई और पीछे खींच लिया, बाकी अच्छा था। अब फर्स्ट डोज लग चुकी है, अब सेकंड का वेट करेंगे। क्लब रोड है ना पापा? क्लब रोड ढूंढने भी कोई मुश्किल नहीं हुआ, ईजी था। लेफ्ट पर लगाइए, लेफ्ट, वो कह रहे तुम राइट ही हो ना, तो इस करके लेफ्ट पर लगा लो, कुछ थोड़ा सामान सामून भी उठा सकते हो। अब थोड़ा हम वहाँ पापा की वैक्सीन पता करते हैं, आपकी वैक्सीन ये ESI में पता करके जाएंगे, अगर है तो वहाँ पे फिर हम उनको टाइम ले लेंगे या क्या? ESI जा रहे हैं पता करने पापा की वैक्सीन का, अगर पापा की वहाँ लग जाती है तो टाइम वगैरह ले लेंगे, नहीं तो आगे देखते हैं कि क्या होता है भाई इनकी वैक्सीन का और क्या सीन हो रहा है। हाँ तो फिर चलो गाइस आपसे मैं सीधा घर जाके मिलता हूँ। अभी थोड़ा मैं भी ये शोल्डर पकड़ के रखूँ, उन्होंने बोला थोड़ा इसको दबा के रखो, तो ऐसे मेरे से मुश्किल हो रहा है, तो चलो कोई नहीं आपसे घर जाके मैं मिलता हूँ। हाँ तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं अब अपने, अब अंदर चलते हैं, मम्मी को अपना थोड़ा वो बताते हैं। मम्मी यार मजा आ गया लगा के काय का मजा मम्मी पैसे चले गए यार, बड़े मुश्किल से कमाते हैं भाई हम, पैसे चले गए। पैसे किसके लिए? अपने शरीर के लिए कमाते। चलो कोई नहीं, वो तो फिर आ जाएंगे भाई, इतने कोई टेंशन नहीं लेते हम पैसे पूसे की, पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे कोई ना, ये खाना है ना। आप लोग ना हर जगह पता नहीं गाइस, मेरी मम्मी को इतना है ना कि हर जगह लाइट बंद ही रखेंगे, ये पता नहीं क्या आदत है इनकी। अब ठीक है ना? मेरे प्यो का पावर हाउस है भाई पापा का पावर हाउस है। हाँ तो फिर चलो दोस्तों इसी के साथ हम लोग करते हैं यहाँ पर आज का ब्लॉग एंड। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज भाई को सब्सक्राइब कर दो, जरूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।